अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटीन्यूअस टेंस किस लिए यूज होता है, इसका यूजेज और डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। कि इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि हम इस तरह के एक्शंस को ये टेंस शो करेगा जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड था, राइट, पहले भी कॉन्टीन्यूस था लेकिन स्टिल कॉन्टीन्यूस है, अभी भी कॉन्टीन्यूस है और उस एक्सपेक्टेड है कि वो फ्यूचर में भी कुछ टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्टीन्यूस रहे। सो ऐसे एक्शन डेट वॉज कॉन्टीन्यूस एंड इज स्टिल कॉन्टीन्यूस, राइट, वो पहले भी हो चुका। इसको हम ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में इस तरह से कहेंगे कि एक्शन डेट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कॉन्टीन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, अभी भी वो कंटिन्यूज है। एग्जाम्पल इसके क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका मतलब है कि बारिश पहले भी हो रही थी बट इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी ये कंटिन्यूज है। सो ऐसे एक्शंस के लिए दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस टू डिस्क्राइब सच टाइप ऑफ एक्शंस, लाइक इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है हैज़ बिन और हैव बिन। हैज़ बिन यूज़ होगा जस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ यूज़ होगा हैज़ बिन, और बाकी सारे पर्सन्स के साथ यूज़ होगा हैव बिन, जिसमें आ जाता है आई वी, मतलब कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल विच इज़ यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल विच इज़ दे, ठीक है। जस्ट हैज़ बीन जो यूज़ होगा वो ही शी इट या कोई भी नेम होगा सिंगुलर नेम तो उसके साथ यूज़ होगा हैज़ बीन। फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसका फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ एंड हैव मैंने यहाँ इसलिए लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन इधर इट इज़ ही शी इट और एनी अदर सिंगुलर और प्लूरल पर्सन। अगर ही शी इट होगा तो उसके साथ हैज़ आ जाएगा, बाकी सबके साथ हैव आ जाएगा, प्लस बीन दोनों में आएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय वी फोर वी मीन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने किसको कहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, रूट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल रेन क्या था, रेन इज द रूट वर्ड, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके साथ जब आई एन जी एड हो गया तो ये रेनिंग बन गया, और रेनिंग क्या है, वी फोर या प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। तो इसके फॉर्मूला में हम सब्जेक्ट व्हाट और हु परफॉर्म्स द एक्शन, हेल्पिंग वर्ब विच डिस्क्राइब्स व्हाट टाइप ऑफ अ टेंस इट इज, एंड बीन एंड वी फोर दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लस ऑब्जेक्ट व्हाट और ही हु और व्हाट receives that action, ये सारा हम use करेंगे। और इस तरह का ये सारे words use करने के बाद ये जो tense बनेगा that is the present perfect continuous tense। Example इसके देख लेते हैं, I have been sleeping since 6 AM, means के I am sleeping at 6 AM but before 6 I was also sleeping, इससे पहले भी मैं I was sleeping at 6 AM पर भी I am sleeping and after 6 के बाद भी expected है कि I will be sleeping, right? So I have been sleeping since 6 AM. This shows that the action started in the past but it's still continuing at the 6 AM, right? Similarly, he has been playing for hours and he is still playing. Negative sentence mein dekhe to negative sentence mein sirf addition hoga not ka, नॉट का एडिशन होगा सिर्फ, और कब होगा, हेल्पिंग वर्ब के मिड में, हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में एड होगा नॉट, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर उसका वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ओ, वी फोर इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल्स देख लें, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग टेनिस, दे हैव नॉट बीन स्टडीइंग देयर बुक्स, She has not been watching movie, right? इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में has, have स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट मिड में आ जाएगा, ठीक है। has, have एंड जो इंट्रोगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस has, have था, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस has, have था, और इंट्रोगेटिव में इन दोनों की रिप्लेसमेंट हो गई है, has, have स्टार्ट में आ गया और सब्जेक्ट मिड में आ गया, प्लस नॉट प्लस बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ओ, राइट।
तो इसके इस स्ट्रक्चर के लिहाज से एग्जांपल्स देखते हैं. हैज़ ही बिन, हैज़, सब्जेक्ट ही. नॉट मैंने क्यों ऐड किया यहाँ पे, नॉट नहीं है, नॉट आप लगा भी सकते हैं. हैज़ ही बिन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, राइट. हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस प्लेइंग प्लस कंप्यूटर गेम. तो इंट्रोगेटिव में एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम यहाँ पे नॉट लगा लें. हैज़ ही नॉट प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ठीक है. देन एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, हैव दे नॉट बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग. ये भी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है. और अगर ये सिर्फ इंट्रोगेटिव हो तो ये क्या हो जाएगा, हैव दे बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग. और अगर इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना लें, नॉट को भी हटा दें और इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर लें, अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे नॉट बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग. तो आप कोई भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेके उसको आप चेंज कर सकते हैं नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बोथ में, ठीक है. इस तरह से आप बगैर टाइम को मेंशन किए, जैसे इवनिंग, फोर आवर्स, सिंस, 6 AM, बगैर टाइम को मेंशन किए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि ही हैज़ बीन रनिंग, शी हैज़ बीन वीपिंग, शी हैज़ बीन कुकिंग. इस तरह से आप सिंपली भी इसको यूज़ कर सकते हैं. और इस सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉजिक होती है कि आपने दो वर्ड्स जब आप यूज़ करते हैं, सिंस एंड फॉर, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पर सिंस यूज़ करना है और कहाँ फॉर यूज़ करना है. तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बता रही हूँ कि हाउ टू यूज़ सिंस एंड फॉर इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल.